Morning students, today I am going to start the new chapter of your course, that is rocks and minerals. All the land on the earth is made up of soil and rocks. सबको पता है जितना भी हमारी लैंड है अर्थ पे वो किसकी बनी होती है, रॉक्स की और सॉइल की. लॉन्ग अगो द ग्राउंड वॉज मोस्टली सॉलिड रॉक. बहुत समय पहले जो ग्राउंड था पहले क्या था, केवल रॉक्स होते थे ग्राउंड पे. You have learned earlier how some of the rocks changed to form soil. पहले भी हम पढ़ चुके कि कैसे कैसे rocks जो है soil में बदल गई. The grains that made up rocks are composed of naturally occurring substance called minerals. वो grain जो कि जो rocks बनाते हैं उनके naturally occurring substance होते हैं जिनको हम minerals कहते हैं. तो minerals क्या हैं? Minerals वो substance हैं जिनके थ्रू जिनसे रॉक्स बनती हैं. ऑल द रॉक्स ऑन द अर्थ आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. जितनी भी अर्थ की सरफेस पे रॉक्स पाई जाती है वो मिनरल्स की बनी होती हैं. सम रॉक्स कंटेन ओनली वन मिनरल, अदर्स कैन कंटेन अप टू सिक्स और मोर मिनरल्स. कि एक सी रॉक में केवल एक ही मिनरल होता है और बाकियों के अंदर सिक्स और उससे भी ज़्यादा मिनरल्स हो सकते हैं, मैनी मोर. रॉक्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट मिनरल्स प्रेजेंट इन डैम. जो रॉक्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती हैं. क्यों होती हैं? क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए वो डिफरेंट कलर्स की होती हैं. तो रॉक क्या हो गई? रॉक्स वो हो गई बड़े बड़े पत्थर चट्टानें जो अर्थ की सरफेस पे पाई जाती है उनको हम रॉक्स बोलते हैं. और जिनकी वो बनी होती हैं स्मॉल सब्सटेंसेस जो अर्थ की सरफेस पे पाए जाते हैं उनको हम मिनरल्स बोलते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ रॉक्स. रॉक्स ऑन द अर्थ आर फॉर्म्ड इन थ्री डिफरेंट वेज. जो अर्थ सरफेस पे है रॉक्स होती हैं वो तीन अलग अलग तरीके से बनी होती हैं. बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशन टाइप्स दे आर डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रुप्स. उनके बनने के तरीके से फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उनको तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. कौन कौन सी हैं? इग्नियस रॉक, सेडमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इग्नियस रॉक. व्हेन अ कैंडल बर्न्स द मेल्टेड वैक्स ट्रिकल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड अगेन एज इट कूल्स. जैसे एक मोमबत्ती जलाते हैं तो जो मेल्टेड रॉक होती है वो मेल्टेड कैंडल का जो वैक्स होती है वो नीचे आती है और फिर वो ठंडी होने के बाद जम जाती है. इन द सेम वे igneous rocks are formed. igneous rocks are formed in the same way from melted rock. igneous rock भी इसी तरीके से melted पिघली हुई rock से बनती हैं. deep down inside the earth it is so hot that rocks melt. earth की surface के under बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा hot होता है, कि इतना hot होता है कि जो rocks होती हैं वहाँ पर वो melted form में होती हैं. मेल्टेड रॉक इज कॉल्ड मैग्मा. जो पिघली हुई रॉक होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा. मैग्मा कीप्स गेटिंग पुश टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ बाय द प्रेशर इन साइड द अर्थ. मैग्मा जो होता है अर्थ की सरफेस पे आता रहता है. कैसे आता है? जो अर्थ की सरफेस के अंदर प्रेशर होता है उसके थ्रू वो अर्थ की सरफेस पे आता है. हेयर इट कूल्स टू फॉर्म सॉलिड रॉक अगेन. अर्थ की सरफेस पे आके ये ठंडा होता है और फिर सॉलिड रॉक बनाता है जो कि क्या होती है? इग्नियस रॉक. Rock thus formed is called igneous rock. Sometimes the magma cools slowly and becomes solid below the surface of the earth. कभी कभार ऐसा होता है कि जो रॉक मैग्मा होता है बहुत धीरे धीरे कूल होता है और अर्थ की सरफेस के नीचे ही रॉक सॉलिड होने लगता है. एंड एट दी अदर टाइम्स एज इन वॉल्केनो इट इज़ थ्रोन आउट टू द सर्फेस वे इट इज़ कूल्स क्विकली. पर वॉल्केनो के केस में वो अर्थ की सर्फेस से बाहर आता है और वहाँ पर आके वो कूल होता है. द मैग्मा दैट रीचेस द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लावा. वो मैग्मा जो अर्थ की सरफेस पे आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? लावा. देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स. बहुत तरीके की इग्नियस रॉक्स होती हैं. दे हैव डिफरेंट मिनरल्स एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिपेंडिंग ऑन हाउ एंड वेयर दे आर फॉर्म्ड. इनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं और शेप्स होती हैं. किस पे डिपेंड करता है? किस मिनरल से बनी और कहाँ पर ये बनी है और कैसे बनी है. पहली सबसे पहली इग्नियस रॉक है बसाल्ट. बसाल्ट इज़ अ इग्नियस रॉक फॉर्म्ड बाय द लावा कूलिंग ऑन द अर्थ सरफेस. इट इज़ डेंस एंड डार्क एंड हैज फाइन ग्रेन्स. बसाल्ट जो होती है जो फिगर में दिख रहा है एकदम काले रंग की होती है रॉक. ये कैसे बनती है? लावा का अर्थ की सरफेस पर जब कूल होता है तब ये बसाल्ट बनता है. इट इज़ डेंस
बहुत ही थिक होती है और डार्क कलर की होती है। फिर आती है हमारा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज फॉर्म व्हेन मैग्मा कूल्स बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ। इस केस में क्या होता है, मैग्मा जो होता है ग्रेनाइट के केस में अर्थ की सर्फेस के बिलो, अर्थ की सर्फेस के नीचे कूल होता है। इट हैज़ लार्जर ग्रेन्स दैट बट देन बसाल्ट एंड इज जनरली लाइट कलर्ड। इसके ग्रेन्स जो होते हैं, टुकड़े दाने जो होते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं बसाल्ट के कंपेरिजन में और ये लाइट इन कलर्ड होते हैं। इट कंटेन्स थ्री मेन मिनरल्स। इसके अंदर तीन तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं। एक पिंक कलर का मिनरल होता है जिसको हम बोलते हैं फेल्डस्पार। फिर होता है ग्रे कलर का मिनरल जिसको हम बोलते हैं क्वार्ट्ज़। एंड ब्लैक एंड शाइनी मिनरल दैट इज माइका। ग्रेनाइट इज पिंक और ग्रे डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ फेल्डस्पार इन इट। ग्रेनाइट या तो पिंक होता है या फिर ग्रे होता है। किस पर डिपेंड करता है, फेल्डस्पार जो उसके अंदर मिनरल है उस पर डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग ही ग्रेनाइट का कलर डिसाइड होता है। इट इज़ वेरी हार्ड एंड इट देयरफॉर यूज इन मेकिंग बिल्डिंग्स एंड स्टैचूज़। ये बहुत ही हार्ड होता है इसलिए इसके बिल्डिंग्स और स्टैचूज़ बनाए जाते हैं। और हमारे घरों में भी ग्रेनाइट का पत्थर लगता है किचन्स वगैरह में। इट इज़ ऑल्सो यूज इन पेविंग रोड्स, और रोड्स पे भी लगता है ये पत्थर। फिर आता है हमारे प्यूमाइस। प्यूमाइस इज लाइट कलर स्टोन फॉर्म्ड व्हेन अ लावा कूल्स ऑन द अर्थ सरफेस। ये बहुत ही लाइट कलर का स्टोन होता है। ये भी अर्थ की सरफेस पे जब लावा कूल होता है तब बनता है। इट्स पर्कुलेटरी इज दैट इट इज़ मेड फ्रॉम फॉर्थी लावा कंटेनिंग अ लॉट ऑफ डिजॉल्व्ड गैस। इसके अंदर छोटे छोटे से पर्कुलेशंस होते हैं, छीट से दिखते हैं। क्यों दिखते हैं, क्योंकि ये फॉर्टी लावा मतलब झाग झाग वाले लावा से बनता है। और फिर इस क्यों और इसके अंदर गैस प्रेजेंट होती है, इसके कारण ये छोटे छोटे इसमें छेद दिखते हैं। व्हेन दिस लावा कूल्स इट फॉर्म्स रॉक्स विद सेवरल होल्स एंड पॉकेट्स इन इट बिकॉज ऑफ द गैस। अब जब ये लावा फॉर्टी लावा झाग वाला लावा कूल होता है तो इससे में कैसे बन जाते हैं, ये ऐसी रॉक बनाता है जिसमें छोटे से होल्स होते हैं। किसके कारण ये होल्स होते हैं, गैस के कारण। प्यूमाइस इज़ यूज एज अ स्क्रबर टू रिमूव रफ स्किन फ्रॉम दी बॉडी। ये किसके के लिए यूज़ होता है, रफ स्किन बॉडी से निकालने के लिए स्क्रबर की फॉर्म में यूज़ होता है। फिर आती है हमारा फोर्थ इग्नियस रॉक, दैट इज़ ऑब्सिडियन रॉक। ऑब्सिडियन इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल ग्लास। इसको नेचर का ग्लास भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ ग्लासी अपीयरेंस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी ग्लास जैसी अपीयरेंस के कारण इसको हम नेचर का ग्लास भी बोलते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस व्हेन लावा कंटेनिंग अ हाई अमाउंट ऑफ सिलिका कूल्स रैपिडली एंड सॉलिडिफाइज विदाउट टाइम फॉर क्रिस्टल ग्रोथ। ये कब बनता है, जब लावा जिसमें बहुत ज़्यादा सिलिका हो वो एकदम से कूल हो जाए और फिर बड़ा सा टुकड़ा रॉक बना दे, तब ये ऑब्सिडियन रॉक होती है। द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम टिपिकली गिव्स द ऑब्सिडियन अ डार्क ग्रीन टू ब्राउनिश ब्लैक कलर। आयरन और मैग्नीशियम के कारण इसका या तो डार्क ग्रीन कलर होता है या फिर ब्राउनिश ब्लैक कलर होता है। इन एंशियंट टाइम्स इट वॉज यूज टू मेक टूल्स ड्यू टू इट्स शार्प एजेस। इसकी शार्प एजेस के कारण इसके टूल्स बनाए जाते थे पुराने समय पर। नाउ इट इज़ यूज इन सर्जिकल स्कैल्पल ब्लेड्स। अब जो होते हैं सर्जिकल ब्लेड्स में, स्कैल्पल ब्लेड्स में इसे यूज़ किया जाता है। मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। दूसरी टाइप की रॉक्स कौन सी होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स। यू हैव लर्न दैट इरोजन कॉजेज सॉइल एंड स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स टू स्वेप्ट इनटू रिवर्स लेक्स एंड सीज। पहले से हम जानते हैं कि इरोजन के कारण क्या होता है, जो रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ये कहाँ पहुँच जाता है, रिवर्स और लेक और सीज में। दे सिंक टू द बॉटम एंड सेटल इन द लेयर्स कॉल्ड सेडिमेंट्स। ये बॉटम पे बैठ जाते हैं और सेडिमेंट्स की फॉर्म में वहाँ सेटल हो जाते हैं। एज मोर एंड मोर रेयर सेटल ऑन द टॉप दे गेट स्क्वीज टुगेदर। अब जैसे जैसे इस पर और पत्थर आके सेटल होते जाते हैं तो ये चिपकते जाते हैं एक दूसरे के साथ सुकड़ने के कारण। मिनरल डिपॉजिट्स ऑन दैम एंड सीमेंट दैम टुगेदर टू फॉर्म सॉलिड रॉक। और इनके अंदर मिनरल डिपॉजिट होने लगते हैं और फिर धीरे धीरे करके एक सॉलिड रॉक बनने लगती है। सच रॉक्स आर नोन एज सेडिमेंट्री रॉक्स। ऐसी रॉक्स को सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सेडिमेंट से बनी होती है। बहते हुए जो सेडिमेंट्स कहाँ से आए होते हैं, सॉइल इरोजन के कारण जो मिट्टी बह के आई होती है उनके डिपॉजिशन से ये रॉक बनती है, इसलिए इनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ अदर रॉक्स और इवन रिमेन्स ऑफ एनिमल्स और स्टक टुगेदर। ये रॉक्स किस किस की बनी होती है, या तो दूसरी रॉक्स की बनी होती है या फिर इनके अंदर कुछ कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो मर जाते हैं एनिमल्स, उनकी भी ये रॉक्स बनी होती है। सम ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स आर एज फॉलोज।
First one is sandstone. Sandstone is formed when grains of sand becomes cemented together by other minerals. Sandstone क्या होता है, कैसे बनता है सैंडस्टोन? जब ग्रेन्स ऑफ सैंड, जो ग्रैंड सैंड है उसके जो ग्रेन्स है वो जब सेटल होते हैं और आपस में बाइंड होते हैं तभी सैंडस्टोन बनता है. सैंड कंटेन्स अ मिनरल कॉल्ड क्वार्ट्ज. सैंड के अंदर एक मिनरल होता है जिसको हम क्वार्ट्ज बोलते हैं. द सीमेंटिंग मिनरल्स आर सिलिका एंड कैलासाइट. और जो मिनरल इसको बाइंड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिलिका और कैलासाइट. सैंडस्टोन इज़ कॉमनली यूज इन मेकिंग बिल्डिंग. सैंडस्टोन को कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, मोस्टली बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं. द रेड फोर्ट एंड अ मेजर पोर्शन ऑफ द कुतुब मीनार इन दिल्ली आर मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन. जो रेड फोर्ट है और जो कुतुब मीनार है वो किसका बना हुआ है, मोस्टली सैंडस्टोन का ही मेजर पार्ट इसका बना हुआ है. फिर आते हैं हमारा कॉन्ग्लोमेरेट. कॉन्ग्लोमेरेट इज अ सॉलिड मास ऑफ पेबल्स सीमेंटेड टुगेदर बाय मिनरल्स. ये क्या होते हैं, बड़े बड़े पेबल्स होते हैं उनको जोड़ के ये सॉल्ट, ये रॉक बनती है. फिर आती है हमारी शेल. शेल इज अ स्मूथ सीमेंटरी रॉक मेड अप ऑफ मैनी मेनली ऑफ क्ले. ये स्मूथ रॉक होती है, ये किसकी बनी होती है, क्ले की बनी होती है. इट इज़ यूज टू मेक टाइल्स एंड ब्रिक्स. इसकी हम टाइल्स और ब्रिक्स बनाते हैं, इसके स्मूथ टेक्सचर के कारण हम टाइल्स और इसकी ब्रिक्स बनाते हैं. फिर आता है लाइमस्टोन. लाइमस्टोन आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एनिमल एंड प्लांट रिमेन्स. ये एनिमल्स और प्लांट के रिमेन्स अवशेषों से बनती है. चौक इज़ अ काइंड ऑफ लाइमस्टोन. चौक जो होती है जो हम लोग यूज़ करते हैं लिखने के लिए वो एक टाइप का लाइमस्टोन ही है. इट इज़ मेड फ्रॉम शेल्स एंड स्केल्टन्स ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी सी क्रिएचर्स. ये कैसे बनता है, शेल से बनता है, टाइनी और स्केल्टन से बनता है. टाइनी जो सी क्रिएचर्स उसमें सी में पाए जाते हैं उनके शेल्स और स्केल्टन से बनती है चौक. वेन द एनिमल डाई देयर शेल्स फेल्स टू द सी बेड एंड बिल्ट अप इनटू थिक सेडिमेंट्स ऑफ चौक. क्या होता है, जब एनिमल मर जाता है तो जो उनके रिमेन्स होते हैं वो नीचे सिंक कर जाते हैं सी बेड पे और वहाँ जाके जमा होने लगते हैं. और जैसे जैसे ये जमा होते हैं और फिर ये चौक बना देते हैं, सेडिमेंट्स इकट्ठे होते जाते हैं और फिर चौक बन जाती है. लाइमस्टोन इज़ यूज इन मेकिंग सीमेंट एंड ब्रिक्स. लाइमस्टोन का कहाँ यूज़ होता है, ब्रिक्स बनाने में और सीमेंट बनाने में काम आता है. सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म इन द लेयर्स ओवर ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स. सेडिमेंट्री रॉक जो है लेयर्स की फॉर्म में होती है और इसको बहुत समय लगता है बनने में. द बॉटम लेयर बींग द ओल्डेस्ट. जो सबसे नीचे लेयर होता है वो सबसे पुराना होता है. समटाइम ट्रेसेस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स कॉल्ड फॉसिल्स आर ऑल्सो फाउंड इन डैम. इनके अंदर से पहले मैं बता चुकी हूँ, कभी कभार एनिमल के अवशेष और प्लांट्स के अवशेष पाए जाते हैं जिनको हम फॉसिल्स बोलते हैं. साइंटिस्ट दैट स्टडी द लेयर्स एंड फॉसिल्स टू फाइंड आउट अबाउट दिस कंडीशन ऑन द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर अगो. ये जो साइंटिस्ट होते हैं वो इन लेयर्स और फॉसिल्स को की स्टडी करते हैं. वो क्यों करते हैं, इससे उनको पता लगता है कि उस टाइम पे उस ज़माने में क्या कंडीशंस थी. तो ये एक मतलब आर्कियोलॉजी में भी यूज़ हो जाते हैं ये वाले सेडिमेंट्री रॉक्स. देन हमारी आती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स. हीट एंड प्रेशर बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ कैन ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन द मिनरल्स ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स. क्या होता है, मेटामॉर्फिक जो रॉक जो होती है इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स से मिलके ही बनती हैं. अर्थ की सरफेस के नीचे हीट और प्रेशर बहुत होता है सब जानते हैं, तो उनके कारण हीट और प्रेशर के कारण क्या होता है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज आता, वो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज आता है. दैट दस न्यू टाइप ऑफ रॉक्स आर फॉर्म. दिस प्रोसेस को मेटामॉर्फिस विच मीन्स चेंज. फिर इन्हीं चेंज के कारण एक नई तरीके की रॉक बनती है, उसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं. और इन रॉक्स को मेटामॉर्फिस क्यों बोलते हैं, जिसका मतलब होता है चेंज. मतलब क्या है, मेटामॉर्फिक क्या है, ये सिर्फ वही सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स हैं जो कि नए चेंजेस के कारण बनी. द चेंज रॉक आर नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिज्म मेक्स रॉक्स टफ. और ये इस प्रोसेस से रॉक्स टफ हो जाती हैं. अब हम पढ़ते हैं मेटामॉर्फिक टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो सबसे पहली है स्लेट. स्लेट इज़ अ डार्क ग्रे शाइनी मेटामॉर्फिक रॉक मेड बाय मेटामॉर्फिज्म शेल. शेल की मेटामॉर्फिस, शेल जो थी रॉक उसकी उसमें चेंज आने के कारण जो ये स्लेट रॉक बनती है. इट
स्प्रेड्स ईजली इन टू द थिन स्लाइसेस. इसको हम पतली पतली स्लाइसेस में आसानी से तोड़ सकते हैं. दैट इज़ वाई इट्स यूज मेकिंग स्लेट्स एंड ब्लैक बोर्ड्स. इसलिए इसको हम स्लेट्स बनाने और ब्लैक बोर्ड में काम लाते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग स्लैंटिंग रूफ्स ऑफ बिल्डिंग. जो रूफ्स की स्लैंटिंग रूफ्स होती हैं, घरों की जो स्लैंटिंग रूफ्स होती हैं, उनके भी के बनाने में भी काम आती हैं. फिर आती है मेटामॉर्फिक रॉक मार्बल. मार्बल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम लाइमस्टोन. ये किससे बनता है? लाइमस्टोन के मेटामॉर्फिज्म से बनता है. इट इज़ फाउंड इन वेरियस कलर्स एंड कैन बी कार्व्ड एंड पॉलिश्ड ईजली. ये बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बने होते हैं और इनको बहुत आसानी से नई नई शेप्स दी जा सकती हैं और पॉलिश किया जा सकता है. इट इज़ यूज टू मेक स्टैचूज़ एंड बिल्डिंग्स. इसको स्टैचूज़ बनाने के लिए और बिल्डिंग बनाने के लिए काम आता है. घर में मोस्टली ये लोग सब लोग हम लोग मार्बल लगवाते हैं. द ताजमहल इज़ मेड अप ऑफ वाइट मार्बल. सबको पता है कि जो ताजमहल है वो वाइट मार्बल का बना हुआ है. फिर आते हैं हमारे जिनाइसिस. प्रनाउंस नाइस. इसको प्रनाउंस कैसे कहते हैं? नाइस. इज फॉर्म फ्रॉम द ग्रेनाइट. ग्रेनाइट से बनता है ये. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म मोसिस द मिनरल्स विद इन सेपरेट टू फॉर्म बैंड्स विच कैन बी सीन सेपरेटली. इस ये किसके मेटामॉर्फिज्म से बनता है? ग्रेनाइट के मेटामॉर्फिज्म से बनता है. इसमें बैंड्स बन जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो हमें दिखते हैं. फिर क्वार्ट्ज़ाइट इज़ अ हार्ड रॉक मेड फॉर मेटामॉर्फिक सैंडस्टोन के मेटामॉर्फिज्म क्या बनता है? क्वार्ट्ज़ाइट बनता है. तो ये थी तीन तरीके की रॉक्स. अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में. इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ रॉक अंडर अ मैग्नीफाइंग ग्लास. अगर हम रॉक को केयरफुली देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास के अंडर, यू विल सी दैट इट मेड अप ऑफ स्मॉल ग्रेन्स कॉल्ड मिनरल्स. हम देखेंगे उसके अंदर छोटे छोटे से टुकड़े हैं. वो टुकड़े किसके हैं? वो मिनरल्स के हैं. ईच रॉक मे हैव वन और मोर मिनरल्स ऑफ द डिफरेंट कलर्स. हर रॉक के अंदर एक या एक से ज़्यादा मिनरल होता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का. वी कैन से दैट मिनरल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स. मिनरल्स फिर हम क्या कह सकते हैं? मिनरल्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं रॉक्स के. मिनरल्स आर सॉलिड सब्सटेंस एंड कंटेन सेवरल इंपॉर्टेंट सब्सटेंस. मिनरल्स क्या हैं? सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस पाए जाते हैं. अब हम पढ़ते हैं सब मिनरल्स दो तरीके के होते हैं. एक तो मेटालिक मिनरल्स और फिर होते हैं नॉन मेटालिक. मेटालिक मिनरल्स कौन से? जो मेटल के बने होते हैं. और नॉन मेटालिक कौन से? जो नॉन मेटल से बने होते हैं. मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल्स सच एज गोल्ड आयरन एल्यूमिनियम एंड कॉपर. सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स. ऐसे मिनरल्स को हम ओर्स बोलते हैं. The mineral deposits are mined to obtain the ores and metals are extracted from their ores. जो mineral के deposits होती है उनको mining की जाती है इन फिर ore बनाने ore निकालने के लिए और फिर ore से ये mineral मिलते हैं. metallic minerals मिलते हैं. metallic minerals are usually associated with igneous rocks. ये mostly किस में पाए जाते हैं? igneous rocks में पाए जाते हैं. they are hard and have a shine of their own. ये जो होते हैं hard होते हैं, बहुत ही hard होते हैं और उनकी अपनी खुद एक चमक होती है. जैसे देखा होगा gold में, silver में, copper, ये सब shiny होते हैं. gold and silver are commonly used for making jewelry. सबको पता है. iron, copper and aluminium are used for making cooking utensils. कॉपर इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर. मर्करी इज़ यूज फॉर मेकिंग थर्मोमीटर. थर्मोमीटर में मर्करी यूज़ होती है, पारा जिसे बोलते हैं. ड्यू टू दे हार्डनेस मेटल्स हैव सिंस लॉन्ग बीन यूज फॉर मेकिंग टूल्स. इनकी हार्डनेस के कारण इतने हार्ड होते हैं इससे इनके औजार बनाए जाते हैं. यूज़ ऑफ हिस्टोरिक टर्म्स सच एज ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज कन्वे द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेटल्स इन द स्पेयर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सिंस अर्ली टाइम. ह्यूमन लाइफ में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है उससे ही पता लग जाता है कि जब से ह्यूमन हुए पाए गए हैं तो उनमें ब्रॉन्ज एज और आयरन एज थी. तो मतलब एक तांबे और उसका आयरन का एज था, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कितने समय पहले से पाए जाते हैं. फिर आता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स. नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर जनरली एसोसिएटेड विद सेडिमेंट्री रॉक्स. ये किससे एसोसिएटेड होते? सेडिमेंट्री से. मेटेलिक मिनरल किससे थे? इग्नियस रॉक से. दे आर यूजली नॉट हार्ड एंड हैव नो शाइन ऑफ देयर ओन. ये हार्ड नहीं होते और ना ही इनके पास अपनी चमक होती है. ग्रेफाइट, माइका, एस्बेस्टॉस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फेल्सपार आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स. बिल्डिंग मटेरियल सच एज बसाल्ट, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम आर ऑल्सो नॉन मेटेलिक. दीज मिनरल्स इज माइन ईजली एंड लार्जली. इन मिनरल को बहुत आसानी से निकाला जा सकता है और लार्ज स्केल पर निकाला जा सकता है. प्रेशियस सोचेंस स्टोन सच एज डायमंड्स और रूबीज आर ऑल्सो नॉन मेटेलिक. बहुत कीमती स्टोन जैसे डायमंड्स और रूबीज हैं वो भी नॉन मेटेलिक होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी फॉसिल फ्यूल्स.
फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? वो फ्यूल्स जो कि अर्थ की सरफेस में पाए जाते हैं उनको हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। ये फ्यूल्स किसके बने होते हैं? ये डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो बहुत टाइम पहले अर्थ की सरफेस में दब गए उनसे बनते हैं ये फ्यूल्स। तो फर्स्ट इसमें क्या है? कोल। कोल इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स। ये एक सेडिमेंट्री रॉक है जो कि प्लांट की रिमेन्स से बनता है। मिलियंस ऑफ ईयर अगो देयर वर थिक फॉरेस्ट ऑन द अर्थ ग्रोइंग इन अ स्वैम्प। बहुत टाइम पहले बड़ी बड़ी फॉरेस्ट होती थी जो कि स्वैम्पी एरिया में ग्रो करती थी। एज द ट्रीज डाइड दे वर बरीड इन द स्वैम्प्स। जैसे जैसे क्या कहते हैं ट्रीज मरे वो इसी स्वैम्प में बरीड होते गए। मैनी लेयर्स ऑफ सैंड मड एंड मोर डेड ट्रीज वर डिपॉजिट। बहुत सारी लेयर्स सैंड की मड की इन पर डिपॉजिट होती गई और भी ट्री मरते गए तो उसी के अंदर डिपॉजिट होते गए। एज द ट्रीज गॉट बरीड डीपर एंड डीपर हीट एंड प्रेशर फ्रॉम द लेयर्स अबव ग्रेजुअली चेंज देम कोल्ड। और फिर जैसे जैसे ये बरीड होते गए अंदर नीचे सतह पे प्रेशर और हीट के कारण ये धीरे धीरे कोल्ड में बदल गए। वी नो दैट द सन्स एनर्जी मेक्स द प्लांट ग्रो। हमें पता है कि जो सन की एनर्जी होती है उससे हम प्लांट ग्रो करता है। कोल दस हैज स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द सन फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर अगो। इसका मतलब क्या है कि कोल में सन की एनर्जी बहुत सालों से ही स्टोर हो रही है। व्हेन वी बर्न अ कोल एज फ्यूल वी यूज दिस ट्रैप्ड एनर्जी ऑफ द सन। जैसे हम कोल को बर्न करते हैं हम क्या यूज़ करते हैं? सन की ट्रैप्ड एनर्जी यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा पेट्रोलियम। व्हेन अ मैरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग डाइड देयर बॉडी सैंक टू द बॉटम। जैसे जब भी मैरीन एनिमल जो पानी में पाए जाते हैं एनिमल्स मरते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो नीचे जाके सैंक कर जाती है, नीचे बॉटम में चली जाती है। मोर एंड मोर सेडिमेंट्स कलेक्टेड ऑन द टॉप। और इसके ऊपर और सेडिमेंट्स आते रह जाते हैं, कलेक्ट होते जाते हैं। द प्रेशर अप्लाइड ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स बाय द लेयर सेटिंग अबव। और फिर जो ऊपर जो लेयर सेटल होती है वो नीचे प्रेशर डालती जाती है। कन्वर्ट द डेड बॉडीज ऑफ द मैरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू पेट्रोलियम। और यही इनको डेड बॉडीज़ को किन में कन्वर्ट कर देती है? पेट्रोलियम में कन्वर्ट कर देती है। दस लाइक कोल पेट्रोलियम एंड ऑल्सो कंटेन स्टोर एनर्जी ऑफ सन। ऐसे ही कोल और के जैसे ही पेट्रोलियम के अंदर भी सन की ही एनर्जी होती है। पेट्रोलियम इज़ यूज एज अ फ्यूल इन फॉर्म ऑफ पेट्रोल डीजल और कैरोसिन। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल ऑफ द टुडे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्यूल है इस टाइम का। कोल एंड पेट्रोलियम आर नॉट टेक्निकली कंसिडर्ड टू बी मिनरल्स एज दे आर फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिक मटीरियल मैटर। इनको मिनरल नहीं माना जाता कोल और पेट्रोलियम को। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर का बना होता है। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? जो कभी जिंदा था मैटर उसका बना होता है। बिसाइड बींग यूज एज अ फ्यूल कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज फॉर मेकिंग इंपॉर्टेंट केमिकल्स सच एज मेडिसिन कॉस्मेटिक्स फर्टिलाइजर्स प्लास्टिक्स एंड मैनी अदर्स। फ्यूल्स की तरह यूज़ होने के अलावा भी कोल और पेट्रोलियम किसका बना होता है, किस में यूज़ होता है? मेडिसिन में, केमिकल फर्टिलाइजर्स में, प्लास्टिक्स में और मैनी अदर चीज़ों में। नाउ नीड टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्स। अब हमें नेचुरल रिसोर्सेज को क्यों कंजर्व करना चाहिए? कोल एंड पेट्रोलियम आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू अस। ये नेचर के गिफ्ट हैं हमें कोल और पेट्रोलियम। दे आर वैल्यूबल अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हाउएवर दे आर लिमिटेड। ये बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है। इफ वी कीप यूजिंग दैम एज फास्ट एज वी आर डूइंग टूडे दे विल नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। अगर हम इन्हें ऐसे ही यूज़ करते रहे जैसे अभी हम कर रहे हैं ये बहुत टाइम तक नहीं बचेंगे। इट इज़ एस्टिमेटेड डेट पेट्रोलियम डिस्पोजिट्स विल लास्ट ओनली फॉर 100 ईयर्स एंड कोल फॉर 250 ईयर्स। ऐसे एस्टिमेट लगाया गया है, अनुमान लगाया गया है कि जो पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स हैं वो केवल 100 साल तक ही रहेंगे और जो कोल के डिपॉजिट हैं वो 250 साल तक रह सकते हैं। यू कैन इमेजिन वट विल हैपन आफ्टर डैट। फिर आप सोच सकते हैं कि इसके बाद क्या होगा। वी शुड देयरफॉर मेक एन एफर्ट टू यूज़ लेस कोल एंड पेट्रोलियम। इसलिए हमको एफर्ट्स करने चाहिए जिससे हम ये कोल और पेट्रोलियम को बचा सके, इन्हें कम यूज़ करें। बर्निंग सो मच ऑफ फ्यूल सच एज ऑल्सो कॉजेज हार्मफुल सब्सटेंस सच एज स्मोक एंड पॉइजनस गैसेज टू बी रिलीज। और इन्हीं को बर्न करने से भी हार्मफुल सब्सटेंस निकलते हैं तो इनको हमें बहुत ही वाइजली यूज़ करना चाहिए। और इन हार्मफुल सब्सटेंस के कारण क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन कैन रिजल्ट इन डेंजरस डिसीजेज। दिस इज़ अनदर रीज़न वाई यूज़ ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम शुड बी लिमिटेड।
पॉल्यूशन से डेंजरस डिसीज होती है, इसलिए आरएनबी यूज़ ऑफ कोल और पेट्रोलियम को हमें लिमिट करना चाहिए। तो हमें क्यों क्यों बचाना है कोल और पेट्रोलियम को, क्यों? एक तो आगे वाली आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना है, और दूसरा इनको ज़्यादा यूज़ करने से, बर्न करने से ये पॉल्यूशन भी पैदा करते हैं, तो इसलिए भी हमें इनका यूसेज कम करना चाहिए। एन इम्पॉर्टेंट वे इन विच वी कैन कंजर्व कोल एंड पेट्रोलियम इज यूज्ड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक तरीका जिसके हम इनको बचा सकते हैं वो क्या है कि कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी हम यूज़ करें विच आर नॉन पॉल्यूटिंग एंड फ्रीली अवेलेबल, वो जो कि नॉन पॉल्यूटिंग और जो फ्रीली अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल द एनर्जी ऑफ सन अवेलेबल इन प्लेंटी एंड वे विल नेवर फिनिश, जो एक एग्जाम्पल है कि जो सन की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा तादाद में और ना ही कभी वो फिनिश होने वाली है। इट ऑल्सो डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, और ना ही पॉल्यूशन कॉज करती है। सन एनर्जी इज़ यूज टू कुक फूड इन सोलर कुकर, जो सन एनर्जी जो क्या होती है, आजकल हम लोग क्या करने लगे कि सन एनर्जी को ट्रैप करके हम यूज़ करते हैं खाना बनाने में, जो कि सोलर कुकर में यूज़ होता है, सोलर सेल्स में, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर अंडर आर एन अनएंडिंग एंड डज नॉट कॉज पॉल्यूशन आर विंड, वो ऐसे सोर्सेज जो और नहीं पॉल्यूशन कॉज करते वो कौन कौन से हैं, विंड है, वाटर है, तो इनको भी हम यूज़ कर सकके हम अपने कोल की और पेट्रोलियम की नीड को कम कर सकते हैं। फॉर दिस दैट्स इट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।